वीकली एपिसोड 2। तो सबसे पहले भाई कल्कि डायरेक्टर नाग अश्विन का एक इंटरव्यू आया है पिंक वेला के चैनल पर, जहां कि वो कल्कि के पार्ट 2 को लेकर बहुत सी बातें बताए। जैसा कि प्रोड्यूसर ने बोला था कि इसकी 60% शूटिंग कंप्लीट है, पर नहीं भाई, 20-30% शूटिंग कंप्लीट मान सकते हैं, लेकिन 60% अभी तो बहुत कम बाकी है। हाँ, पर खुशी की बात तो ये है कि भाई कि कल्कि में अभी तो भाई हमें तीनों वर्ल्ड देख चुके हैं, काशी कॉम्प्लेक्स और संभाला। और डायरेक्टर नाग अश्विन ने बताया कि इस दुनिया में फोर्थ वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में कि हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। और हाँ, सेकंड पार्ट के बाद इस यूनिवर्स में मूवीज का तो पता नहीं, लेकिन एनिमेटेड सीरीज और वेब सीरीज वगैरह आ सकती है। देखते हैं मेकर्स क्या क्या देते हैं, पर पहले तो भाई उनका पूरा फोकस पार्ट 2 की तरफ है। नेक्स्ट SSMB 29। महेश बाबू और SS राजामौली की ये फिल्म के बारे में तो आपको पता ही होगा, भले ही इसका शूटिंग अभी तक स्टार्ट ना हुआ हो, पर सारे फिल्मी भाइयों को पता है कि SS राजामौली और महेश बाबू नेक्स्ट क्या बनाने जा रहे हैं। एक कड़क सी जंगल एडवेंचरिक फिल्म जिसमें रामायण और हनुमान जी के रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो हाँ भाई, इस मूवी से भी अपडेट आ चुका है कि इसके अंदर विलन कौन बनेगा। पृथ्वीराज सुकुमारन भाई, हाँ हमारे सलार वाले बर्दा, हम जानते हैं लास्ट टाइम इनका BMCM ज्यादा कमाल नहीं कर पाया था, पर तब उसका डायरेक्टर कोई और था और अब इस SSMB 29 का डायरेक्टर कोई और है, SS राजामौली। भाई टैलेंटेड एक्टर की टैलेंट को कैसे यूज करना है इन्हें बहुत अच्छे से पता है, इसलिए इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ऊपर से ऐसा बोला जा रहा है इसमें हीरो के कैरेक्टर को जितना ध्यान देकर लिखा गया है, उतना ही विलन के कैरेक्टर पर भी ध्यान दिया गया है। वो जो भी कुछ कर रहा है उसका एक स्पेशल रीजन दिया गया है, विलन का एक अच्छा खासा बैक स्टोरी भी है। और सच बताऊं तो भाई, बिना बैक स्टोरी वाले विलन से हम ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते, जिन विलन की बैक स्टोरी हमें मूवीज में दिखाई गई है उनसे हम ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, चाहे वो पठान में जिम का कैरेक्टर हो, एनिमल में अवरार का हो, KGF में अधीरा का हो, या फिर विक्रम में वो रोलेक्स का हो। हाँ, रोलेक्स की बैक स्टोरी अभी दिखाई नहीं गई, लेकिन उसकी अच्छी खासी बैक स्टोरी होगी। तो भाई ये सुनकर तो हम हीरो के कैरेक्टर जितना प्लान के बारे में जानने के लिए एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। वैसे 9 अगस्त को इसका अनाउंसमेंट देखने मिलेगा ऐसा बोला जा रहा है, तो भाई वेट करके देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट एटली कुमार। एटली जवान के बाद एक मूवी बनाने वाले थे अल्लू अर्जुन के साथ, जिसका टाइटल AAA बताया जा रहा था और जिसमें कि अनिरुद्ध बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाले थे। वो मूवी कैंसिल हो ही एटली अपना मूवी सलमान खान के साथ अनाउंस करती है। पहले तो ये बोला जा रहा था कि सलमान खान और रणवीर सिंह इसमें लीड रोल में होंगे, फिर न्यूज आती है कि सलमान खान और सुपरस्टार रजनीकांत लीड रोल में होंगे, फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है और पता चलता है कि सलमान खान और कमल हसन लीड रोल में होंगे। और एटली ने बताया था और एटली ने बताया कि सलमान खान और कमल हसन को सोचकर ही उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी और ये तमिल मूवी होने वाली है जो कि सन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। मैं तो इसके म्यूजिक डायरेक्टर का वेट कर रहा हूँ, क्या अनिरुद्ध इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाले हैं। तो हाँ भाई, इस मूवी के लिए भी अब एक्साइटमेंट बढ़ गई है। नेक्स्ट, स्प्लिट से कुछ बहुत ही स्पेशल बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। हाँ भाई लोग, 23 अक्टूबर को प्रभास का बर्थडे आ रहा है, तो बोला जा रहा है उस डेट को हमें स्प्लिट से रिलेटेड कुछ बहुत ही स्पेशल देखने को मिलने वाला है, लेकिन वो क्या होगा ठीक से कोई बता नहीं पा रहा है। पर कुछ लोग बोल रहे हैं ये एनिमल के अनाउंसमेंट जैसा एक ऑडियो ग्लिम्स होगा, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्प्लिट का एक रिलीज डेट के साथ फर्स्ट लुक पोस्टर भी होगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ, पर 23 अक्टूबर को स्प्लिट से लेकर बहुत ही कुछ खास आने वाला है ऐसा बोला जा रहा है। और हाँ, इसी साल एंड से इसका शूटिंग स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट, सलार पार्ट 2। NTR के बर्थडे 20 मई को एक पोस्टर रिलीज करके मेकर्स ने बताया था कि NTR 31 या कहें NTR New की शूटिंग अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अब ऐसा सुनने को मिल रहा है कि अगस्त से ही सलार 2 की स्टार्ट होने वाली है। हाँ भाई, 15 दिन का एक शेड्यूल है जिसे रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया जाना है, ठीक है। तो अब फिर NTR 31 का क्या होगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो भाई प्रशांत नील डायरेक्टर एस शंकर के जैसे बीच में फंस चुके हैं। डायरेक्टर एस शंकर जैसे इंडियन 2 और गेम चेंजर की शूटिंग कर रहे थे, वैसे ही अब प्रशांत नील को भी करना पड़ेगा। वैसे अब प्रशांत नील सलार 2 और NTR 31 की शूटिंग एक साथ करने वाले हैं, पहले एक शेड्यूल फिर दूसरा उसका शेड्यूल, ऐसा करके सलार 2 का शूटिंग कंप्लीट करके मेकर्स 2025 के एंड तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसे लेकर कुछ लोगों का कहना ये है कि ऐसा नहीं है, प्रशांत नहीं पहले NTR 31 की शूटिंग करेंगे फिर सलार 2 के सेट पर जाएंगे। तो भाई आपको बता दूं, इसका रीजन होने वाला है बर्दा, क्योंकि वो SSMB 29 में एज अ विलन काम करने वाले हैं और राजामौली अपनी मूवी में किसी एक्टर को हायर करते हैं तो फिर वो एक्टर किसी दूसरी मूवी में काम नहीं कर पाता, इसलिए प्रशांत नील को सलार पार्ट 2 इतने जल्दी शूट
करनी पड़ रही है। आगे चलकर मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो वेट करके देखते हैं। नेक्स्ट, सूर्या की मूवी का अपडेट, इसी जुलाई 30 तारीख को सूर्या के बर्थडे पर आ रहा है। तो बोला जा रहा है कि भाई पहले सूर्या 44 से एक फर्स्ट लुक आएगा, जिसमें कि हमें सूर्या 44 का टाइटल भी देखने को मिल सकता है। इस फिल्म का शूटिंग अभी चल रहा है, दो सॉन्ग्स के साथ कुछ इंपोर्टेंट सीक्वेंस को शूट कर लिया है और इसके बाद हमें कंगवा से भी कुछ इंपोर्टेंट देखने को मिल सकता है, जिसे लेकर लोग बोल रहे हैं कि एक मेकिंग वीडियो आएगा और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सूर्या के प्रेजेंट पोर्शन का एक ग्लिम्स भी देखने को मिल सकता है। वेट करके देखते हैं। 23 जुलाई को कुछ तो कंगवा से खास आ रहा है। अब ये मूवी 10th अक्टूबर को आने वाली है और ये 2024 के बिगेस्ट मूवी होने वाली है। 350 करोड़ का बजट है ना भाई। नेक्स्ट, कूली का शूटिंग स्टार्ट हो चुका है, प्रोडक्शन हाउस खुद ये बात कंफर्म किया है। पर इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, इसमें डीओपी गंगाधर फिर से वापस आ रहे हैं। पहले लोकेश कनकराज और फीस मिलकर विक्रम में काम किए थे, जो एक इतना बवाल था आपको पता है। उसके बाद स्मृति हसन इसमें रजनीकांत के साथ प्यार करने वाली है और लोकेश कनकराज बोल रहे थे कि वो बहुत ही जल्द इसकी पूरी फाइनल कास्ट की डिटेल्स देने वाले हैं, तो वेट करके देखते हैं। नेक्स्ट, औरों में कहां दम था, जुलाई को रिलीज होना था और इसका ट्रेलर भी आ गया था पर मूवी नहीं आया, कारण कल्कि का बढ़ता हुआ कलेक्शन बताया जा रहा है। पर जो भी हो भाई, मूवी का पोस्टमैन हो चुकी है और अब ये मूवी 2 अगस्त को रिलीज होने वाली है। हाँ, एक न्यू पोस्टर के साथ न्यू रिलीज डेट भी आ चुकी है। नेक्स्ट, आलिया भट्ट और सावरी वाघ को लेकर शिव रिवेल जो मूवी बनाने वाले थे और जिस मूवी में बॉबी देओल विलन बनने वाले थे, उसका टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो आ चुका है और उसका टाइटल है अल्फा। मतलब रणवीर पहले अल्फा मेल और आलिया अल्फा फीमेल, बढ़िया है भाई। लेकिन टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में अगर विक्रम लियो या जवान जैसे ही कुछ ग्लिम्स दिखा देते तो फिर तो और अच्छा रहता, पर ठीक है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हो गया ना भाई। इसका शूटिंग स्टार्ट हो चुका है, मतलब स्पाई यूनिवर्स में पहले वॉर 2 आएगा, फिर अल्फा, फिर उसके बाद पठान और आगे जाकर कहीं हमें टाइगर वर्सेस पठान देखने को मिलेगा। चलो अब आप बताओ, आपको स्पाई यूनिवर्स कौन सी मूवी का वेट कर रहे हो? तो भाई बस ये था इस हफ्तों से फिल्मों से जुड़ी हुई अपडेट को लेकर एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।